वेलकम बैक टू द वीडियो। इसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को मोनेटाइज कर सकते हो। तो गाइस यहां पर मैं सबसे पहले इंस्टाग्राम को ओपन कर लेता हूं। आप यहां पर देखिए मैंने इंस्टाग्राम को ओपन कर लिया एंड ये हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है एंड ये मोनेटाइज भी है, ठीक है। एंड मैंने आप लोगों के लिए एक बिल्कुल नया इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है जिसको मैं यहां पर आपको लाइव मोनेटाइज करके दिखाऊंगा। बट सबसे पहले यहां पर आप देखो आखिर मोनेटाइजेशन होता क्या है, कैसे काम करता है, कुछ ही सेकंड में ये चीज समझ लेते हैं। फिर उसके बाद यहां पर मैं आपको बताऊंगा भाई कैसे आपको अपने अकाउंट को मोनेटाइज करना है, कैसे आपको चेक करना है कि आपका अकाउंट मोनेटाइज है या नहीं, ठीक है। एंड कैसे आपको उसको इनएलिजिबल से एलिजिबल करना है, सारी चीजें मैं आपको इसमें सिंपल तरीके से समझाऊंगा। तो छोटा सा वीडियो को शुरू से लेकर एंड देखना। साथ ही अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है मैं इस चैनल पर आपके लिए इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहता हूं। तो गाइस सबसे पहले यहां पर आप देखिए जब कभी भी आप इंस्टाग्राम पर नया अकाउंट बनाते हो तो इंस्टाग्राम पर नया अकाउंट बनाने के बाद आप अपने अकाउंट को प्रोफेशनल कर लेते हो, ठीक है। यानी जैसे आप प्रोफेशनल कर लेते हो, प्रोफेशनल करने के बाद यहां पर आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड शो करता है। एंड जैसे आप यहां पर प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर क्लिक करते हो उसके बाद यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। एंड यहां पर जैसे आप नीचे की तरफ आते हो, नीचे की तरफ आने के बाद यहां पर आपको मोनेटाइजेशन के काफी सारे टूल शो करते हैं, ठीक है। इन्हीं टूल में से एक टूल ये भी है ब्रांडेड कंटेंट। अब जैसे आप इस पर क्लिक करते हो उसके बाद यहां पर आप देख सकते हो हमारा ये एलिजिबल है, हो सकता है कि यहां पर आपका इनएलिजिबल शो कर रहा हो। अगर आपका यहां पर ये इनएलिजिबल शो कर रहा है तो आपको इनएलिजिबल से इसको एलिजिबल कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। बट सबसे पहले यहां पर आप देखिए जैसे ही मैं यहां पर एलिजिबल पे क्लिक करूंगा, एलिजिबल पे क्लिक करने के बाद यहां पर आप देख सकते हो मेरा जो है ना यहां पर मोनेटाइज दिखा रहा है, ठीक है। ठीक इसी तरह से यहां पर मैं अगर इसको बैक करता हूं, बैक करने के बाद यहां पर मैं प्रोफाइल पे आता हूं। आप यहाँ पर देखिए हम प्रोफाइल पे आएंगे एंड यहाँ पर हम थिलैन पे क्लिक करेंगे। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको थिलैन मिलता है, जिसे आप थिलैन पे क्लिक करते हो। थिलैन पे क्लिक करने के बाद जैसे आप यहाँ पर नीचे की तरफ आते हो, नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर आपको मिलता है सबसे नीचे की तरफ अकाउंट स्टेटस, ठीक है। अब आप लोग करते क्या हो, अब जैसे आप यहाँ पर अकाउंट स्टेटस पे क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए मेरे यहाँ पर सभी ग्रीन टिक शो कर रहे हैं, साथ ही यहाँ पर मोनेटाइजेशन के सामने भी ग्रीन टिक शो कर रहा है। हो सकता है कि यहाँ पर आपका येलो कलर का वार्निंग का सिंबल शो कर रहा हो, ठीक है, या फिर यहाँ पर आपका मोनेटाइजेशन इनएलिजिबल दिखा रहा हो। तो यहाँ पर आप देखिए मैं सबसे पहले मोनेटाइजेशन पे क्लिक करता हूँ। जैसे आप मोनेटाइजेशन पे क्लिक करोगे अगर आपका अकाउंट मोनेटाइज होगा तो यहां पर आपको कुछ इस तरह का शो करेगा योर एबल टू मोनेटाइज, ठीक है, यानी आप मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। यानी जितने भी इंस्टाग्राम के मोनेटाइजेशन टूल है जैसे कि गिफ्ट हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया, साथ ही यहां पर ब्रांडेड कंटेंट हो गया, ठीक है, इनके थ्रू ही आप इंस्टाग्राम से पैसा वगैरह कमाते हो। अगर आपका यहां पर ये एलिजिबल होता है तो आप इंस्टाग्राम से पैसा कमा सकते हो, अदरवाइज आप पैसा नहीं कमा पाओगे, ठीक है। तो ये सब चीज तो आप समझिएगा इंस्टाग्राम का मोनेटाइजेशन किस तरह से काम करता है एंड कैसे आप पता लगा सकते हो कि आखिर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट मोनेटाइज है या नहीं, ठीक है। ये चीज तो आप समझिए, यहां पर बात करते हैं अगर आपका यहां पर इनएलिजिबल शो कर रहा है तो आपको इसको एलिजिबल कैसे करना है। फिर यहां पर आपको जैसे आप इसको बैक करोगे आपको यहां पर ग्रीन टिक कैसे लाना है, ठीक है। अगर आपका यहां पर वार्निंग का रेड कलर का, लाल कलर का, फिर यहां पर येलो कलर का, पीले कलर का यहां पर आपको वार्निंग का सिंबल शो कर रहा है तो आपको इसको हरे कलर में, ग्रीन कलर में कैसे चेंज करना है, ठीक है, यानी कैसे आपको अपने अकाउंट को मोनेटाइज करना है, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहां पर मैं इस वाले इंस्टाग्राम को हटा देता हूं एंड मेरे पास एक बिल्कुल नया अकाउंट है, मैं उसको यहां पर आपको मोनेटाइज करके दिखाता हूं, ठीक है। आप यहां पर देखें मैं सिंपली इस वाले इंस्टाग्राम ऐप को ओपन कर लेता हूं। हमने इसको ओपन कर लिया एंड यहाँ पर मैं प्रोफाइल पे आऊंगा। आप यहाँ पर देखिए इस अकाउंट पर अभी एक भी फॉलोअर्स नहीं है क्योंकि मैंने इस अकाउंट को अभी नया नया बनाया ताकि मैं आप लोगों को सबको सिंपल तरीके से समझा सकूँ। सबसे यहाँ पर मैं रिफ्रेश कर देता हूँ एंड यहाँ पर हम प्रोफाइल पे आते हैं। प्रोफाइल पाने के बाद यहाँ पर आप देखिए जैसे हम यहाँ पर प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा एंड यहाँ पर भी आपको ब्रांडेड कंटेंट देखने को मिल जाता है जैसे आप इस पर क्लिक करते हो। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए हमारा ये इनएलिजिबल शो कर रहा है, ठीक है। अगर आपका इनएलिजिबल शो कर रहा है तो आपको इसको इनएलिजिबल से एलिजिबल कैसे करना है वो तो हम जानेंगे, बट सबसे यहाँ पर आप देखो जैसे आप इसको बैक करते हो एंड यहाँ पर आप प्रोफाइल पे आते हो। प्रोफाइल पे आने के बाद जैसे आप यहाँ पर टॉप में कॉर्नर में थिलैन पे क्लिक करते हो, थिलैन पे क्लिक करने के बाद जैसे आप यहाँ पर नीचे की तरफ आते हो अकाउंट स्टेटस में, यहाँ पर भी आपको आप देखिए मोनेटाइजेशन के सामने उस वाली आईडी में ग्रीन टिक शो कर रहा था, ठीक है, एंड यहाँ पर येलो कलर का वार्निंग का सिंबल शो कर रहा है। अगर आपके मोनेटाइजेशन में भी ये प्रॉब्लम है तो आपको इसको सोल्व कैसे करना है चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। बट सबसे यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर आप देख लो उसमें क्या शो कर रहा था, उसमें योर एबल टू मोनेटाइज शो कर रहा था लेकिन इसमें योर करंटली अनेबल टू मोनेटाइज, यानी कि आप मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल नहीं हो अभी के टाइम में, ठीक है। तो ये आपका इंस्टाग्राम अकाउंट मोनेटाइज होता कैसे चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई देखिए इंस्टाग्राम पर जब कभी भी आप नया अकाउंट बनाते हो आपको सबसे पहले ये चीज चेक करनी है कि आपका अकाउंट कितने दिन हुए बनाए हुए, ठीक है, यानी आपको ये चेक करना है कि आपका अकाउंट कितने महीने पुराना है, क्योंकि इंस्टाग्राम पर जब कभी भी आप नया अकाउंट बनाते हो तो यहाँ पर कम से कम भी इंस्टाग्राम का जो मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया है आपका अकाउंट 3 महीने पुराना होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके अकाउंट को अभी 1 महीना हुआ है, फिर 2 महीने हुए हैं, आपके इंस्टाग्राम पर अच्छे खासे फॉलोअर भी हो गए, 10,000, 20,000, 50,000 या फिर 1,00,000 भी हो गए, ये चीज मैटर ही नहीं करती है, आपका अकाउंट कम से कम भी 3 महीने पुराना होना चाहिए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि 3 महीने ही हो, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि इंस्टाग्राम पर जैसे आप मतलब कंसिस्टेंट होकर काम करते हो, रेगुलर आप काम करते हो तो इंस्टाग्राम आपका अकाउंट 1 से 2 महीने में मोनेटाइज कर देता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि 3 महीने से भी ज्यादा हो गए फिर भी यहाँ पर आपके अकाउंट में ये प्रॉब्लम शो कर रही है, साथ ही यहाँ पर आपको पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी में 2 वॉल्यूशन शो कर रहे हैं, आप यहाँ पर देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये 2 वॉल्यूशन शो करते हैं, मतलब आप जितने अकाउंट बना लो ना सभी अकाउंट में ये शो करेंगे, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले चीज ये कि इंस्टाग्राम का कुछ क्राइटेरिया होता है, यानी आपको इंस्टाग्राम को दिखाना होता है कि आप इंस्टाग्राम पर एक्टिव हो, यानी
आप इंस्टाग्राम पर पोस्ट वगैरह डालते हो, अगर आप इंस्टाग्राम पर कंसिस्टेंट रहोगे, पोस्ट वगैरह डालोगे, रील वगैरह डालोगे, एंड जैसे ही आपका अकाउंट 3 महीने पुराना हो जाएगा, यानी कि 90 डेज, पूरे 90 दिनों के भीतर ही यहाँ पर आपका अकाउंट मोनेटाइज हो जाता है। लेकिन आप में इसका अवसर बनते ऐसे होंगे जिनके अकाउंट को 1 साल हो गया होगा, 6 महीने हो गए होंगे, या फिर वो मतलब चाहते हैं कि हमारा अकाउंट मोनेटाइज हो जाए एंड उनके अकाउंट में उनको ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। यहाँ पर हो सकता है कि उनको यहाँ पर 3 वॉलेशन शो कर रही हो, फिर यहाँ पर कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जिनके अकाउंट पर 1 वॉलेशन शो कर रही हो। अब वॉलेशन चाहे जितने भी शो कर रही हो, फिर आपका अकाउंट मोनेटाइज नहीं है, तो आप इसको मोनेटाइज कैसे कर सकते हो, चलिए उसके बारे में भी यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो सबसे यहाँ पर आपको इस प्रॉब्लम को सही करने के लिए करना क्या होगा, आपको इंस्टाग्राम को एक अपील लिखनी होगी। ठीक है, अपील आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, आपको सिंपली वाले इंटरफेस पर आकर एक स्क्रीनशॉट ले लेना है इस वाले इंटरफेस का। ठीक है, जैसे आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसके बाद आपको करना क्या है, आपको सिंपली प्रोफाइल पे आना है। प्रोफाइल पे आने के बाद यहाँ पर आप समझिए, आपको सिंपली थंबनेल पे क्लिक करना है। जैसे आप थंबनेल पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा हेल्प का ऑप्शन। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली हेल्प पे क्लिक कर देना है। जैसे आप हेल्प पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको टॉप में मिलेगा रिपोर्ट ए प्रॉब्लम, तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली रिपोर्ट ए प्रॉब्लम पे क्लिक कर देना है। एंड इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे की तरफ मिलेगा सेव फोन टू रिपोर्ट ए प्रॉब्लम, तो आपको सिंपली इसको डिसेबल कर देना है। जैसे आप इसको डिसेबल कर देंगे, डिसेबल करने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा रिपोर्ट ए प्रॉब्लम। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली रिपोर्ट ए प्रॉब्लम पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा इंक्लूड एंड कंटिन्यू। ठीक है, तो आपको करना क्या, आपको सिंपली इंक्लूड एंड कंटिन्यू कर देना है। जैसे आप ये कर देंगे, अब ये ऑटोमेटिकली स्क्रीनशॉट ले लेता है। आप यहाँ पर देखिए, इसने स्क्रीनशॉट ले लिए, तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली इन स्क्रीनशॉट को हटा देना है, क्योंकि हमारी ये प्रॉब्लम तो है ही नहीं ना, हमने ऑलरेडी अपनी प्रॉब्लम का स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली अपलोड पे क्लिक करेंगे। अपलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये ऑलरेडी जो स्क्रीनशॉट इसने लिया होगा, आपको सिंपली उस स्क्रीनशॉट को यहाँ से ऐड कर लेना है। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए रहा वो स्क्रीनशॉट, तो हमें सिंपल इस पर क्लिक कर दूंगा। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, ये ऐड हो गया। ठीक है, इसको ऐड करने के बाद यहाँ पर आपको इस स्क्रीनशॉट पर एक बार क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे, एंड आपकी जो प्रॉब्लम होगी उसको इस तरह से हाईलाइट कर देना है। ठीक है, यहाँ से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, इस तरह से आप ड्रॉ कर देंगे तो इंस्टाग्राम समझ जाएगा कि इस बंदे को ये प्रॉब्लम है। इस तरह से यहाँ पर आप एरो वगैरह लगा देंगे। एंड इसके बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको मिलेगा राइट हैंड, तो आपको सिंपली राइट हैंड पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम को एक्सप्लेन करना है कि आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक रिपोर्ट लिखनी है। अब वो रिपोर्ट क्या है, आप यहाँ पर देखिए, मैं सिंपली यहाँ पर इसको पेश कर देता हूँ। यहाँ पर लिखा है, डियर इंस्टाग्राम टीम, आई फॉलो ऑल योर पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी, बट स्टिल द अकाउंट इज शोइंग यू आर करंटली अनेबल टू मोनेटाइज, प्लीज करेक्ट इट सून एज पॉसिबल। ठीक है, आपको इतना लिख देना है, आपको सिंपली सेंड पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेंड पर क्लिक कर देंगे, सेंड पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको वेट करना है। कुछ ही घंटों के बाद आपका अकाउंट मोनेटाइज हो जाएगा, अगर आपका अकाउंट 3 महीने पुराना हुआ। ठीक है, तो कुछ इस तरह से यहाँ पर आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की मोनेटाइजेशन प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।